हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को मस्टोइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कि मस्टोइड क्या है। मस्टोइड एक तरीके के बोन होती है, ये हड्डी होती है जो कान के पीछे लोकेटेड होती है, कान के पीछे होती है ये, पर स्प्रेड होती है, पूरे इफेक्ट करती है ये ईयर को, नोज़ को, थ्रोट को इफेक्ट करती है। इसमें अगर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे मस्टोइटिस कहते हैं। ये इनके जिस कारण से होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे वायरल, और ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण भी इफेक्टेड हो जाता है मस्टोइटिस। इनके लक्षण होते हैं, साइनिंग सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग बिहाइंड ईयर, मतलब कान के पीछे का पूरा सूज जाता है, सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, जिसमें रेडनेस हो जाती है, सीवियर पेन होता है, साथ में फीवर भी आ जाता है, बहुत इरीटेशन होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और समटाइम ईयर डिस्चार्ज भी होते हैं, जैसे कि पस फॉर्मेशन होता है, कान से मवाद निकलना या ब्लड भी कभी कभी आ जाता है, नहीं तो पानी वाटर जैसा सिक्रेशन होता ही रहता है, बहता ही रहता है, 24 आवर कान बहता ही रहता है, और पूरा सूजन हो जाता है जिसके कारण से सुनाई नहीं देता, हेयरिंग लॉस हो जाती है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, वो चाहे यंग चिल्ड्रंस हों या एडल्ट हों, फीमेल वो हों या सीनियर सिटीजन्स हों, ये किसी को भी एम्पैटिक का इन्फेक्शन हो जाते हैं, मस्टोइटिस हो जाती है। इनके होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट होती है बेलाडोना। बेलाडोना 200 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर राइट साइड पेन हो रहा है, राइट ईयर है इफेक्टेड है, मस्टोइटिस हो गया है, रेडनेस है, पेनफुल है, और फीवर आया है, स्किन रैशेस के जैसा हो रहा है, और नाइट और डे टाइम में ज़्यादा पेन होता है ईयर में, तो बेलाडोना इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी राइट साइड ईयर में अगर ये कंप्लेन डेवलपमेंट हो गई है, जैसे मस्टोइटिस हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन है, और मूवमेंट्स करने पे ज़रा सा भी थोड़ा सा उठते बैठते हैं तो उस कारण से कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, थोड़ा सा भी मूव करते हैं, हेड को, सिर को हिलाते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया 200 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है मक्सॉल, सेम कंप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेडनेस है ईयर में, दोनों कानों में, किसी भी कान में अगर ये कंप्लेन डेवलपमेंट हो गई है, मस्टोइटिस हो गया है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, पस फॉर्मेशन डिस्चार्ज हो रहा है, बॉडी डिस्चार्ज हो रहा है, और नाइट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ रात के समय में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है कान में, तो मक्सॉल 200 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है कास्टिकम। कास्टिकम राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों किसी भी कान में अगर ये कंप्लेन है, स्वेलिंग है, सीवियर पेन है, रेडनेस है, फीवर है, और हेडेक भी हो रहा है, तो कास्टिकम 200 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन हैं जिसमें दो को कॉम्बो करना है, साइलिशिया 30 प्लस हिपरसेल्फ 30, ये दोनों मेडिसिन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं अगर ये कंप्लेन डेवलपमेंट हो गई है, जैसे स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन डिस्चार्ज हो रहा है, पानी रुक नहीं रहा, 24 आवर कान से पानी मवाद ब्लड ऐसा निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा सूज गया है, बहुत दर्द होता है, और एंटीबायोटिक वगैरह भी यूज़ किया है, इंग्लिश मेडिसिन भी यूज़ किया है, उसके बाद भी अगर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप साइलेशिया और हीपर का कॉम्बो मिक्स करके 2 टाइम्स अ डे फॉर 3 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये 5 मेडिसिन मैंने बताई, 5 मेडिसिन हैं, आप इनमें अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग कोई एक मेडिसिन चूज़ करके, और साथ में मुलीन ड्रॉप आता है, एयर ड्रॉप, तो एक ये एयर ड्रॉप है मुलीन ऑयल, इसे बोथ ईयर मतलब दोनों कानों में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ईयर, आइज़, नोज़ और थ्रोट की बहुत सारी डिसीजेस के ट्रीटमेंट बताऊँगी, तो अगर आपको कुछ मस्टोइटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।